वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। बेटा, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के अंदर ही हमारा लेक्चर वन है। और फोटोसिंथेसिस जो है इस पूरे जहान का, इस पूरे वर्ल्ड का जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जिसकी वजह से 97% ऑर्गेनिजम्स के लिए बेटा फूड अगर सिंथेसाइज करता है कोई हीटरोट्रोप्स के लिए, तो बेटा वो प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो प्लांट्स जो है खाना बनाते हैं। और उसी फूड को जो है वो हम लोग सब लोग जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपटेक करते हैं, तो इसलिए बेटा फोटोसिंथेसिस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। चलिए देखते हैं बेटा इसका फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले बात आती है बेटा फोटोसिंथेसिस की जड़ क्यों होती है। एक तो बेटा ग्लूकोज को बनाने में, ठीक है, फूड बनाने में। दूसरा बेटा ऑक्सीजन भी जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनाई जाती है। इसके बाद बेटा कहा जाता है कि ये ऑक्सीडोरिडक्टिव प्रोसेस है। ऑक्सीडोरिडक्टिव प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। ऑक्सीडेशन होता है बेटा वाटर का और रिडक्शन होता है बेटा CO2 का, ठीक है, इसलिए ये एक रिडोक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट बेटा एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक प्रोसेस का मतलब होता है जब कोई चीज़ सिंथेसाइज हो रही हो। देखो हमारे पास दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, कैटाबोलिक और एक एनाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब ये होता है जब कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है, और एनाबोलिक का मतलब ये होता है जब हमारे पास कोई चीज़ फॉर्म होती है। एक वर्ड होता है बेटा मेटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म वो रिएक्शन होती है जिसमें ब्रेक डाउन भी होता है और सिंथेसाइज भी की जाती है। एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब होता है बेटा एनर्जी जो है वो हम लोग देते हैं, ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब ये है बेटा कि इसके अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। इस बात से क्या मतलब है? फिजिकल मतलब होता है बेटा कि यहाँ पे जो है लाइट एनर्जी आई और उसने जो है वाटर को ब्रेक डाउन किया, वाटर के ऊपर उसने फोर्स लगाई, वाटर को जो है उसने फोटोलाइसिस किया। इसमें होता क्या है बेटा कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, CO2 और H2O। बेटा ये पहले वाटर को ब्रेक डाउन करती है फिजिकली, जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का बेटा यूज़ करती है CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए, ओके। तो मैं ये बोलता हूँ ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट थिंग, अब बात आती है बेटा कि कौन कौन से जो है अर्ली एक्सपेरिमेंट थे जिनसे हम लोग 9th क्लास में या 10th क्लास में भी जो है फेमिलियर हैं, कि किस किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें जो है रॉ मटेरियल, कौन कौन सा रॉ मटेरियल जो है वो ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास पहला आता है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें होता क्या था बेटा कि हमारे पास एक लीफ है, उस पर ग्रीन कलर के और ब्राउन कलर के डिफरेंट तरीके के स्पॉट है। जब हमने यहाँ पे स्टार्च देखा, आयोडीन वगैरह डाल के जब हमने स्टार्च की फॉर्मेशन देखी, तो बेटा वो हमें सिर्फ ग्रीन पार्ट में मिली। और यहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो है वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। जहाँ जहाँ क्लोरोफिल पिगमेंट था, जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है, बाकी जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। उसके बाद बेटा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट आता है। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हाफ लीफ को कवर कर दिया ब्लैक पेपर से और हाफ जो है उसको खाली रखा। जहाँ पे जो है बेटा फोटोसिंथेसिस हुई वो रीजन था जो हमारा पूरा ग्रीन था, बाकी ये जो रीजन था जो हमने ब्लैक कर दिया था वहाँ पे जो है लाइट नहीं जा रही थी, और इस वाले पोर्शन पे जो है वो लाइट आ रही थी। तो जहाँ पे लाइट आ रही थी बेटा वहाँ पे हमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो है वो दिखी, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन दिखी। तो हमने ये बोला कि लाइट जो है वो एसेंशियल है। उसके बाद बेटा KOH एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है, KOH एक्सपेरिमेंट आया। KOH एक्सपेरिमेंट के थ्रू बेटा हमें क्या पता चला कि CO2 जो है वो ज़रूरी है। हमने क्या लिया, एक इस तरीके से बीकर लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया, एक प्लांट को जो है वो ग्रो कराया, ठीक है, इस प्लांट को जो है हमने ग्रो कराया। और यहाँ पे हमने एक कॉटन के अंदर KOH जो है वो डाल दिया। अब KOH क्या होता है बेटा, इस बीकर की सारी CO2 को जो है वो KOH अब्सॉर्ब कर लेगा, और ये प्लांट कुछ दिनों में क्या हो जाएगी बेटा, डेथ हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि CO2 जो है वो एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, किसके लिए, प्लांट के लिए, ओके। तो देखो एक हमने क्लोरोफिल के लिए देखा, एक हमने लाइट के लिए देखा, एक हमने CO2 के लिए देखा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट थे जो हमारी
टेंथ क्लास के एनसीईआरटी वगैरह में जो है वो देख के रखते हैं। अब बात आते हैं बेटा इलेवेंथ क्लास में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट जो है हमें पढ़ने होते हैं। पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है बेटा जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने 1733 से 1804 तक वर्क किया था। मिंट जार एक्सपेरिमेंट के नाम से इनका एक्सपेरिमेंट जाना जाता है। इन्होंने क्या किया बेटा, एक जार लिया, उसके अंदर इन्होंने कैंडल ली और एक माइस लिया, ठीक है, एक माउस लिया, एक क्या ली बेटा, कैंडल ली, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया बेटा, देखो होगा क्या कि कैंडल को जलने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इस सारे चैम्बर की जो ऑक्सीजन है वो कैंडल ने या माउस ने जो है वो ले ली रेस्पिरेशन के लिए, और फिर जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई बेटा तो माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई, माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। लेकिन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इसी बाल जार में इन्होंने मिंट का प्लांट जो है वो ग्रो कर दिया, मिंट का प्लांट ग्रो कर दिया, तो बेटा कुछ देर बाद भी माइस भी जिंदा था और कैंडल भी जलने लग रही थी। इसका मतलब ये है कि ये इन्होंने जब रेस्पिरेशन किया होगा तो यहाँ से बेटा इन्होंने CO2 को रिलीज किया होगा और O2 को जो है वापस दिया होगा मिंट प्लांट में, तो O2 जो है ऑक्सीजन जो है वो बेटा दोबारा से क्या हो गई, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर दोबारा से क्या हुई, ऑक्सीजन जो है वो दोबारा से रिलीज हुई और ये जो है वो रेगुलर रेस्पिरेशन करते रहे। तो इससे ये पता चला कि O2 जो है वो एक सोर्स की तरह आउटपुट जो है फोटोसिंथेसिस का निकलता है। नेक्स्ट बेटा जॉन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट्स 1730 से लेके 1744 तक, ठीक है, ये बताते हैं कि लाइट जो है वो एसेंशियल है, ठीक है। इन्होंने क्या किया बेटा, हाइड्रिला प्लांट लिया एक बीकर के अंदर, इन्वर्टेड फ्लास्क जो है उसके ऊपर इस तरीके से रख दिया, ठीक है, इस तरीके से रख दिया, एक चैम्बर को इन्होंने लाइट में रखा और एक चैम्बर को इन्होंने सेटअप को डार्क में रखा। जिसमें लाइट थी वहाँ पे इन्होंने देखने को मिले बेटा बबल्स, और ये बबल्स थे ऑक्सीजन के, ठीक है। तो इन्होंने बोला बेटा कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलती है और लाइट जो है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि डार्क में ये चीज़ क्या थी, अब्सेंट थी, डार्क में यही बबल्स जो है वो अब्सेंट थे, तो इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो एसेंशियल है। उसके बाद बेटा मेरे पास एक मेन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं जूलियस वॉन सैक। 1854 में एक्सपेरिमेंट करते हुए इन्होंने कहा कि ग्लूकोज जो है वो बनता है मेन प्रोडक्ट, लेकिन ग्लूकोज स्टोर नहीं होता, वो सिंपल शुगर होती है, स्टोर होने के लिए कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है जिसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, और जब स्टार्च मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह पे तो इसको कन्वर्ट होना होता है बेटा सुक्रोज में, और इस प्रोसेस के लिए हमें एक पिगमेंट की जरूरत होती है, और वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। ये बातें जूलियस वॉन सैक ने की थी। ओके, नेक्स्ट बात आती है बेटा TW एंगलमैन, और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है वो देखे गए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट मुझे यही लगते हैं TW एंगलमैन, जो क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गी के ऊपर जो है ये वर्क करते हैं, ठीक है, और ग्रीन एल्गी है तो बेटा क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, ऑक्सीजन रिलीज कराएगी, ठीक है। ये क्या लेते हैं बेटा, एक बीकर लेते हैं, उसके बॉटम में जो है क्लैडोफोरा को क्या करते हैं बेटा, ग्रो कराते हैं, और इस बीकर में जो है वो बैक्टीरिया डालते हैं, ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, हम इनके एक्सपेरिमेंट और सेटअप देखते हैं। इन्होंने क्या किया बेटा, एक वाइट लाइट का सोर्स लिया, उसको प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म से पास करने के बाद बेटा वो इस तरीके से 7 कलर में ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, और इन्होंने जो है बेटा जो क्लैडोफोरा है, ठीक है, वो बीकर के ऐसे बेस बेस पे ग्रो कराई, ठीक है। अब क्लैडोफोरा क्या करेगी बेटा, इस पर्टिकुलर लाइट रेंज में क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस जहाँ से करेगी वहाँ से क्या निकालेगी बेटा, ऑक्सीजन निकालेगी। तो जो ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है बेटा, ये इस लाइट रेंज के अंदर वहाँ पे हमें ज़्यादा मिले जहाँ पे 500-400 के बीच की लाइट थी और 600-700 के बीच की लाइट थी, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि ये रीजन जो है वो एक एक्टिव रीजन है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इन्होंने वर्ड दिया बेटा पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, ठीक है। और यहीं पे NCERT हमें बेटा कुछ ग्राफ भी जो है वो देती है, ठीक है, यहीं पे हमें NCERT कुछ ग्राफ भी जो है बेटा वो देती है। बेटा इस एक्सपेरिमेंट को मैं एक बार दोबारा से आपके सामने बनाना चाहूँगा,
कि किस तरीके से उसने जो है ये किया। ठीक है, देखिए आप, जैसे मान लो बेटा ये मेरे पास एक बीकर है, ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इसके बेस पे मैं यहाँ पे जो है क्लेडोफोरा वो ग्रो करा देता हूँ, ठीक है, और इसमें जो है वो एक मैं क्या डाल देता हूँ बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया डाल देता हूँ। नीचे से मैं एक वाइट लाइट पास कराता हूँ, नीचे से मैं एक वाइट लाइट पास कराता हूँ, ठीक है, और बीच में रख देता हूँ बेटा प्रिज्म, बीच में क्या रख देता हूँ प्रिज्म, ठीक है। इस प्रिज्म से पास होने के बाद वाइट लाइट जो है वो सेवन कलर में टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाती है सेवन कलर में। तो होगा क्या बेटा, जब लाइट डिस्पर्स होगी तो क्लेडोफोरा जो है यहाँ से क्या करेगी बेटा, फोटोसिंथेसिस करेगी, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद यहाँ पे ये देखा गया कि 400 से 500 के बीच में और 600 से 700 के बीच में ये सारे बैक्टीरिया जो है वो इस साइड आ गए, एरोबिक बैक्टीरिया, या फिर जो है वो सारे बैक्टीरिया इस साइड आ गए, ठीक है। तो इससे इन्होंने बोला कि ये दो रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पे एनसीईआरटी हमारे पास एक ग्राफ जो है वो देती है, वो देती है बेटा डिफरेंट जो क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल के साथ जो पिगमेंट नेसेसरी पिगमेंट है उनका ग्राफ, कि वो कौन सी लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। और बेटा अगर हम उनके ग्राफ को देखें, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, कि वो किस लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, और जो यहाँ पे हमें रेंज देखने को मिलती है बेटा वो 400, 500 और 600, 700 में हमें पीक वैल्यू जो है वो देखने को मिलती है, बाकी जगह पे हमें लो वैल्यू जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पता चला कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी भी जो है वो इसी रेंज की लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है बेटा क्लोरोफिल ए, क्योंकि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। तो क्लोरोफिल ए की नेक्स्ट ग्राफ जो एनसीईआरटी देती है बेटा वो कुछ इस तरीके का देती है कि वो किस तरीके से एक्शन करता है। एक्शन का मतलब ये है कि लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस कितनी करता है, और हमें ये देखने को मिला बेटा फोटोसिंथेसिस जो है वो इसी रेंज में हो रही थी 400 से 500 और 600 से 700 के बीच में, ठीक है, जो कि था बेटा ब्लू लाइट का रीजन और रेड लाइट का रीजन, ठीक है। तो यहां से जो है जो एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट था जो वो ये दिखाना चाहता था कि इस मतलब ब्लू रेंज में और रेड रेंज में जो है फोटोसिंथेसिस सही जा रही है, तो इस चीज को प्रूफ, इस चीज को जो है बताया उन्होंने क्लेड एंगलमैन ने कि भाई ये रेंज और ये कलर और ये कलर जो है वो एसेंशियल होता है। और हमारी एनसीईआरटी भी ये कहती है कि क्लोरोफिल जो है वो इस रेंज की और इस रेंज की लाइट जो है वो अब्जॉर्ब करता है, और इसी में ही वो मैक्सिमम जो है एक्शन करता है। दूसरा ग्राफ जो बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम है, और वो भी क्लोरोफिल ए का, कि क्लोरोफिल ए कितनी लाइट अब्जॉर्ब करके कितना काम जो है वो करता है। और बेटा लास्ट में वो क्या करते हैं, एक अपना जो है फाइनल ग्राफ देके जाते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ देके जाती है कि ये जो है हमारे पास एक ग्राफ है, और अगर मान लो आपके पास इस तरीके का पीक वैल्यू आ रही है क्लोरोफिल ए की अब्जॉर्प्शन की, ये किसकी है बेटा, ये मान लो आपकी है अब्जॉर्प्शन की, ठीक है। तो बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल का कुछ इस तरीके का जो है वो दिखाया गया, और मैक्सिमम पीक वैल्यू जो है वो हमें 600 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के अंदर देखने को मिली, ठीक है। तो ये तीन ग्राफ जो है एनसीईआरटी देती है, और इन तीन ग्राफ में बेटा कंफ्यूजन नहीं होनी है। पहला ग्राफ अब्जॉर्प्शन का है, दूसरा एक्शन का है, और तीसरा जो है अब्जॉर्प्शन और एक्शन दोनों को मिला के बताया गया है, ठीक है, दोनों को कंपेयर करके बताया गया है एनसीईआरटी में। ओके, नेक्स्ट बात आती है बेटा, नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, एक साइंटिस्ट और बचे हैं अभी हमारे पास, जिनका नाम है वॉन नील। क्या नाम है बेटा, वॉन नील। ये क्या करते हैं बेटा, ये दिखाना चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आई थी। ये क्या करते हैं बेटा, CO2 के साथ H2S की रिएक्शन कराते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के बंदे हैं, तो इनका रिएक्टिव सीरीज जो है वो एक ही तरीके की होगी। CO2 के साथ H2S की रिएक्शन कराते हैं बेटा, ग्लूकोज तो अब भी मिलता है, लेकिन बेटा अब जो है सल्फर गैस मिलती है। तो बेटा अगर मैंने यहाँ पे वाटर लिया,
तो मुझे मिली ऑक्सीजन गैस, और अगर बेटा मुझे जो है यहाँ पे सल्फर लिया तो बेटा मुझे मिली यहाँ पे सल्फर गैस। तो यहाँ से ये पता चला कि ये जो ऑक्सीजन एमिट होती है ये वाटर से एमिट होती है, ना कि CO2 से। ओके, सो ये बात थी। काफ़ी और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस तरीके से प्रूफ करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया बेटा, रेडियो एक्टिव जो है वो CO2 का वाटर जो है वो लिया, एक रिएक्शन में इन्होंने लिया बेटा H2O, यहाँ पे जैसे मान लो 16, तो ऑक्सीजन जो है वो O16 निकली थी। अगर CO2 प्लस H2O जो है बेटा यहाँ पे O18 आइसोटोप ले लिया तो बेटा यहाँ पे जो है वो O18 निकला, ठीक है, आइसोटोप ऑक्सीजन का O18 निकला। तो इस तरीके से बेटा ये जितने टाइप के एक्सपेरिमेंट थे वो हमने कंप्लीट किए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे डाउट होता है बच्चे को, ग्राफ, ठीक है, उसके बारे में हमने बात की। आई होप आपको लेक्चर जो है बेटा समझ में आया होगा।